और चलिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ का हेल्थ बुलेटिन आपको बता देते हैं। कोहराम लगातार कोरोना का जारी है। पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो छत्तीसगढ़ में 16,083 नए मरीज सामने आए हैं और 138 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। इधर राजधानी रायपुर में भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। 3,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 1,887 मरीज सामने आए। तो छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आपको जानकारी दे दें कि बलौदा बाजार में 800 मरीज मिले हैं। इसके साथ ही महासमुंद में 438 मरीज और गरियाबंद में 647 ये संख्या है। वहीं बिलासपुर में 1,000 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया है। तो बढ़ते कोरोना मरीज और सरकार की चिंताएं भी बढ़ गई है। प्रशासन के सामने दुगनी चुनौती, अब इस ट्रेंड को ब्रेक करना है। वहीं राजधानी रायपुर से खबर, जहां रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच अच्छी खबर है, पहली खेप आज रायपुर पहुंचने वाली है। इस पहली खेप में 30,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन रायपुर में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ को कुल 90,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलेंगे। तीन खेप में इंजेक्शन की आपूर्ति होगी। हर खेप में 30,000 इंजेक्शन होंगे और पहली खेप 30,000 इंजेक्शनों की आज राजधानी रायपुर पहुंच जाएगी। इस वक्त किल्लत भी है और डिमांड रेमडेसिविर इंजेक्शन की काफी बनी हुई है। मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, हर जगह पर इस इंजेक्शन की एकाएक डिमांड बढ़ गई है। और उधर छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना के आंकड़ों के बाद अब शहरों में लॉकडाउन भी बढ़ा दिया गया है। 4 शहर रायपुर, रायगढ़, कोरबा और दुर्ग में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। 26 अप्रैल तक रायपुर में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इसके साथ ही दुर्ग में भी 26 अप्रैल तक ही लॉकडाउन रहेगा। वहीं कोरबा में 27 अप्रैल तक प्रशासन ने लॉकडाउन बढ़ाया है। रायगढ़ में भी 27 अप्रैल तक ही लॉकडाउन रहेगा। इसके पहले 22 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाया गया था, लेकिन अब इसे और भी आगे बढ़ा दिया गया है। हालांकि कुछ रियायतें जरूर मिलेगी। फल सब्जी विक्रेताओं को इस दौरान छूट रहेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन आम जनता की परेशानियों को देखते हुए रियायतें भी दी गई हैं। लॉकडाउन के दूसरे चरण में शर्तों के साथ कुछ छूट दी गई है। 27 अप्रैल तक सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक ही बैंक खोले जाएंगे। तो सुबह 10 से 2 बजे तक ही बैंकों के कामकाज निपटाने होंगे। और हालांकि बात करें अलग अलग प्रशासन की गाइडलाइंस की, तो कोशिश यही है कि संक्रमण की चेन तोड़ी जाए और लोगों को जागरूक भी किया जाए। जरूरी सेवाओं को जरूर छूट रहेगी। बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है और रोक रोक कर लोगों को पहले पूछ रहा है और जरूरी सेवाओं को छूट दी जा रही है। अगर बेवजह लोग बाहर मिलते हैं घूमते हुए तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई भी की जा रही है। हालांकि एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को जरूर छूट रहेगी, इमरजेंसी के लिए छूट रहेगी, वैक्सीनेशन के लिए छूट रहेगी। 45 साल के ऊपर उम्र के लोगों को, उन्हें अपना लेकिन आईडी कार्ड दिखाना होगा। एग्जाम के लिए स्टूडेंट्स को छूट रहेगी।